हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर एडुकेटर्स। दिस इज नीलम एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था ईडियम्स एंड फ्रेजेस, तो हम यहाँ पर वही ईडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंट कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट इज टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। सो देखिए गाइस, क्या हो सकता है इसका आंसर। सो लेट्स डिस्कस टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। अब यहां पर इसका जो आंसर होगा, टू गेन प्रोमिनेंस बिल्कुल नहीं, टू प्रेज वनसेल्फ खुद की तारीफ करना ये भी नहीं, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व ये बिल्कुल हो सकता है, टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स नहीं, एंड नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सपोज आपसे कोई गलती हो गई है एंड उस गलती को आप कन्फेस कर रहे हो, बता दे रहे हो, उसे हम कहते हैं टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। जो ऐसी चीजें जो मन में छुपी हुई है, ऐसी चीजें जो सीक्रेट है, उसका जब आप खुलासा कर देते हो, सबको बता देते हो, कन्फेस कर देते हो, उसे हम कहते हैं टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, टू कीप वंस टेम्पर। सो लेट्स चेक, टू कीप वंस टेम्पर। अब ये टेम्पर मतलब होता क्या है, स्टेट ऑफ माइंड। तो यहाँ कहा जा रहा है टू कीप वंस टेम्पर, मतलब हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, माइंड की कंडीशन को रखना, मतलब कि हमारे माइंड को शांत रखना, हमारे माइंड को अच्छे मूड में रखना, ये होता है टू कीप वंस टेम्पर। तो यहाँ पर टू बिकम हंग्री बिल्कुल नहीं होगा, टू बी इन गुड मूड बिल्कुल हो सकता है, टू प्रिजर्व वंस एनर्जी नहीं, टू बी अलूफ फ्रॉम नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू बी इन गुड मूड मतलब कि गुस्सा ना करना, एंग्री ना होना, शाउटिंग ना करना, इसे हम कहते हैं टू कीप वंस टेम्पर, अपने स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल में रखना, इसे हम कहते हैं टू कीप वंस टेम्पर। नेक्स्ट है टू कैच अ टाटर। देखिए क्या हो सकता है,
लेट्स चेक. टू कैच अ टाटा, इसका मतलब होता है सपोज आप किसी पर्सन से मिलने जाने वाले हो एंड कुछ बिजनेस डील है या कुछ इस तरीके की कुछ आपको बात करना है. ओके, तो उस पर्सन को आपने पहले कभी देखा नहीं है, बस जस्ट ऐसे ही फोन पर बात की है. एंड आप जब उस पर्सन से मिलने गए तो आपने देखा कि वो जो इंसान है वो इंसान बहुत ज्यादा डेंजरस है, मतलब कि वो इंसान बहुत ज्यादा क्रिमिनल टाइप का निकला. तो इसे हम कहेंगे टू कैच अ टाटर, मतलब कुछ ऐसा पर्सन से एनकाउंटर हो जाना, किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत ज्यादा डेंजरस हो, जो क्रिमिनल टाइप का हो, गुंडे टाइप का हो, उसे हम कहते हैं टू कैच अ टाटर. मतलब किसी अनएक्सपेक्टेड थिंग से हमारा सामना हो जाना, एनकाउंटर हो जाना, उसे हम कहते हैं टू कैच अ टाटर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट देखते हैं, टू ड्राइव होम. सो लेट्स डिस्कस गाइस. तो यहां पर देखिए, टू ड्राइव होम, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि घर वापस जाना ड्राइव करके, ये बिल्कुल इसका मीनिंग नहीं है. यहाँ देखते हैं, टू फाइंड वंस रूट्स, रूट्स फाइंड करना नहीं. टू रिटर्न टू द प्लेस ऑफ रेस्ट, बिल्कुल भी नहीं. बैक टू ओरिजिनल पोजिशन, बिल्कुल नहीं. यहाँ इसका मतलब होता है टू एम्फसाइज करना, मतलब किसी चीज को, किसी पॉइंट को समझाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ को डीपली समझाना, किसी चीज़ को एम्फोसाइज करना, किसी मुद्दे को क्लियरली एक्सप्लेन करना, उसे हम कहते हैं टू एम्फोसाइज. ओके, या उसे हम कहते हैं टू ड्राइव होम. फॉर एग्जाम्पल, ही ड्राइव को हम कर देंगे ड्रोव. ड्राइव Drove home the reasons for his poor performance. For his poor performance. देखिए, he drove home the reasons, reasons है ये, for his poor performance. कि उसके poor performance का जो भी reason था, जो भी सारी चीजें थी, उसने ये बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की. तो इसे हम कहते हैं टू ड्राइव होम. ओके, किसी भी चीज के बारे में किसी पॉइंट को एम्फोसाइज करना, उसे क्लियरली एक्सप्लेन करना, बहुत ज्यादा डीप जाके, उसे हम कहते हैं टू ड्राइव होम. नेक्स्ट देखते हैं, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड. तो ये देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है, काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है.
सो लेट्स डिस्कस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ प्राइवेट एंड टू सर्व बिल्कुल हो सकता है, टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट नहीं, टू हैव नो रिजल्ट नहीं, टू डू वर्क ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है अ प्राइवेट एंड टू सर्व, मतलब किसी चीज़ को करने में अगर हमारा कोई एम है, हमारा कोई सेल्फिश एम या मोटिव है किसी चीज़ को करने में, उसे हम कहते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ओके, कि कोई चीज़ कर रहे हैं, कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई काम जिसे करने में हमारा कोई सेल्फिश, हमारा कोई फ़ायदा है, ओके, हमारा कुछ उसमें फ़ायदा होने वाला है, तो उसे हम कहते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट है टू क्राई वुल्फ, तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, टू क्राई वुल्फ, सो लेट्स चेक, टू क्राई वुल्फ इसका मतलब होता है टू लिसन ईगरली बिल्कुल नहीं, टू गिव फॉल्स अलार्म बिल्कुल हो सकता है, टू टर्न पेल भी नहीं होगा, टू कीप ऑफ स्टारवेशन और ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। टू क्राई वुल्फ, जैसे आपने एक पुरानी या बचपन में स्टोरी जरूर सुनी होगी कि एक आदमी होता है जो गाँव में रहता है और वो हमेशा लोगों को मतलब कि गुमराह करता है या बुद्धू बनाता है कि अब भेड़िया आया इस तरीके से चिल्लाता है और सारे जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते थे हमेशा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब सही में भेड़िया आया तो कोई भी गांव वाला नहीं आया, क्योंकि उस पर्सन को हमेशा हैबिट थी चिल्लाने की या लोगों को फूल करने की, चीट करने की लोगों के साथ। लेकिन जब सही में भेड़िया आता है तो लोग बिल्कुल इकट्ठा नहीं होते। तो यहाँ पर यही रीजन, यही मीनिंग है टू क्राई वुल्फ, कि जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप लोगों की हेल्प लो, या जब आपको सही में ज़रूरत होगी तो आपकी कोई हेल्प नहीं करने आता। तो यही मीनिंग है यहाँ पर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टू गिव फॉल्स अलार्म। नेक्स्ट देखिए टू एंड इन स्मोक, तो क्या होगा इसका आंसर। लेट्स डिस्कस गाइस, सेवेंथ का सॉरी टू एंड इन स्मोक, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये क्या होगा, टू मेक कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं होगा, टू रूइन वन सेल्फ हो सकता है,
टू एक्साइट ग्रेट अप्लॉज नहीं होगा, टू ओवरकम समवन नहीं, एंड ई भी नहीं है। अब यहाँ पर होता है एक्चुअली ये टू एंड इन स्मोक, मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि आप बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हो किसी चीज़ को करने में, एंड वो एफर्ट्स जो होते हैं वो सारे रुइन हो जाते हैं, या फिर वो सारे जो एफर्ट्स होते हैं उनका कोई रिजल्ट नहीं आता, है ना। तो आपके जो एफर्ट्स थे वो सारे कैसे फ्रूटलेस हो गए, रिजल्टलेस हो गए, तो उन्हें उसे हम कहते हैं टू एंड इन स्मोक। माई ऑल एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, कि जितनी भी मैंने मेहनत की थी वो सारी की सारी फ्रूटलेस हो गई। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा टू रूइन वन सेल्फ। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बी अबव बोर्ड, तो ये देखिए क्या हो सकता है। टू बी अबव बोर्ड, सो लेट्स डिस्कस। टू बी अबव बोर्ड मतलब होता है ऑनेस्ट होना, या जो इंसान बहुत ओपन होता है, या सारी मतलब उसमें कोई सीक्रेट नहीं रखता या कोई सीक्रेट नहीं होती, उसे हम कहते हैं टू बी अबव बोर्ड। तो यहाँ पर टू हैव अ गुड हाइट बिल्कुल नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील बिल्कुल हो सकता है, दे हैव नो डाउट्स एंड देट, नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो ऐसा पर्सन जो ऑनेस्ट होता है, जो ओपन होता है, ये सारी चीजें बहुत ओपनली करता है, उसे हम कहते हैं ही इज अबव बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पुट वंस हैंड टू प्लो, सो लेट्स डिस्कस गाइस। टू पुट वंस हैंड टू प्लो, अब ये प्लो एक प्रोसेस होता है, आपको पता होगा जब कल्टीवेशन करते हैं, जब फार्मिंग करते हैं, तो प्लोइंग का एक प्रोसेस होता है, एंड वो जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हर किसी की बात नहीं है प्लोइंग करना, खेती करना, फार्मिंग करना। तो अगर कोई प्लो को हाथ में लेता है या प्लोइंग शुरू करता है, मतलब वो कैसा काम हाथ में ले रहा है, कैसा काम शुरू करने जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, किसी डिफिकल्ट टास्क को शुरू करना, उसे हम कहते हैं टू पुट वंस हैंड टू प्लो। यहाँ पर ये ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। टू पिक होल्स,
सो लेट्स डिस्कस. टू पिक होल्स, टू फाइंड सम रीजन टू क्वेरल, शायद हो सकता है. टू डिस्ट्रॉय समथिंग, नहीं. टू क्रिटिसाइज समवन, ये भी हो सकता है. टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम, ये नहीं हो सकता. एंड नन ऑफ दिस नहीं, क्योंकि ये दो ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा. अब टू पिक होल्स मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के, सपोज किसी ने कोई काम किया है तो इस काम को बुरा भला कहना, उसे हम कहते हैं टू क्रिटिसाइज करना. मतलब किसी ने काम किया तो उसे कहना कि नहीं, ये सही तरीके से नहीं किया है आपने, या जिस तरीके से होना चाहिए था इस तरीके से नहीं हुआ है, या इसमें कोई गलती है, मिस्टेक्स निकालना, उसे हम कहते हैं टू पिक होल्स. तो यहाँ पर टू फाइंड सम रीजन टू क्वेरल नहीं होगा. यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? टू क्रिटिसाइज समवन. नेक्स्ट देखते हैं. टू लीव समवन इन लर्च, टू लीव समवन इन लर्च, किसी को लर्च में छोड़ देना. सो लेट्स डिस्कस गाइस. टू लीव समवन इन लर्च, लर्च में छोड़ देना. अब ये लर्च का मीनिंग अगर देखे तो इसका मतलब होता है कोई अनकंट्रोल्ड या अनस्टेडी मूवमेंट, कोई अनकंट्रोल्ड या अनस्टेडी मूवमेंट किसी चीज की, इसे हम कहते हैं लर्च. तो मतलब कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लमेटिक, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में किसी को छोड़ देना. लीव मतलब छोड़ देना, लेफ्ट कर देना. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? आंसर टू कम टू कॉम्प्रोमाइज विद समवन, नहीं. कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस टू समवन, नहीं. टू पुट समवन एट ईज, तो बिल्कुल नहीं. टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, यस. किसी चीज को डिफिकल्टीज में छोड़ देना, ओके. क्योंकि लर्च का मीनिंग होता है कोई अनकंट्रोल या अनस्टेडी सिचुएशंस या मूवमेंट्स होती है, तो इसलिए यहाँ जो आंसर हो जाएगा सही वो होगा टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज. इससे हमें क्लियरली ही पता चलता है लीव मतलब छोड़ देना, समवन इन लर्च मतलब डिफिकल्टी में छोड़ देना. नेक्स्ट है टू प्ले सेकंड फिडल. टू प्ले सेकेंड फिडल, तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है.
सो लेट्स चेक गाइज, यहाँ पर होगा टू प्ले सेकेंड फिडल का मीनिंग. तो देखते हैं गाइस, टू प्ले सेकेंड फिडल. टू बी हैप्पी एंड चेयरफुल हेल्दी, नहीं बिल्कुल नहीं होगा. टू रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ वन सीनियर, नहीं. टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, ये बिल्कुल होता है. किसी कोई पर्सन है, कोई रोल प्ले कर रहा है, किसी पोजीशन पर कोई है, तो उस रोल को हम सपोर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं टू प्ले सेकेंड फिडल. ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर? टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन. सो नेक्स्ट देखिए, टू बेग द क्वेश्चन. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? टू बेग द क्वेश्चन. सो देखते हैं, टू बैग द क्वेश्चन, यहाँ पर इसका आंसर टू रेफर टू नहीं होगा. टू टेक फॉर ग्रांटेड, किसी चीज़ को ओके टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बिल्कुल होगा. टू रेज ऑब्जेक्शन, टू बी डिस्कस नहीं, एंड नन ऑफ दिस भी नहीं. तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा टू टेक फॉर ग्रांटेड. नेक्स्ट देखिए, अ ब्लैक शिप.
सो लेट्स चेक, एन अनलकी पर्सन नहीं, अलकी पर्सन ये भी नहीं होगा, एन अगली पर्सन नहीं, अ पार्टनर हु टेक्स नो शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स बिल्कुल नहीं, एंड नन ऑफ दिस विल बी आर आंसर. क्योंकि अ ब्लैक शिप मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन, ऐसा मेंबर ऑफ फैमिली हु इज रिगार्डेड एज अ डिसग्रेस, हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस टू इट, मतलब कि ऐसा पर्सन जिसने कोई शेम या एम्बरेसमेंट फील करवाई हो फैमिली को या फैमिली मेंबर्स को, उसे हम कहते हैं इट ही इज अ ब्लैक शिप. जो फैमिली के बाकी मेंबर्स से बिल्कुल अलग होता है उसे भी हम कहते हैं अ ब्लैक शिप. ओके, या डिसग्रेस मानते ना कि ये हमारे लिए बिल्कुल लकी नहीं है, इसके वजह से ऐसा हुआ वैसा, इस तरीके से, तो उस पर्सन को हम कहते हैं ब्लैक शिप, या जो फैमिली को एम्बेरस्ड या शेम फील करवाता है उसे भी हम कहते हैं अ ब्लैक शिप. नेक्स्ट देखते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. सो लेट्स चेक गाइस, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो यहाँ देखेंगे अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ये हो सकता है आंसर, अ वेरी एक्टिव पर्सन बिल्कुल नहीं, वर्दी फेलो नहीं, अनरीजनेबल नहीं, एंड नन ऑफ दिस भी नहीं. तो यहाँ जो आंसर होगा अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब होता है कोई वीक या कावर्डली जो पर्सन होता है, मतलब कि डरपोक टाइप का या बहुत ज़्यादा वीक जो होता है उस पर्सन को हम कहते हैं ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस. देखो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है, यू डोंट नीड टू बी फ्राइटेंड, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है टू हिम उससे, बिकॉज ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. ओके, ही इज़ वेरी कावर्ड एंड वीक पर्सन. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट देखिए फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट, फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट. तो ये देखिए क्या हो सकता है इसका मीनिंग. सो लेट्स डिस्कस, फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट मतलब सेल्फ प्रेजिंग बिल्कुल नहीं, टू बोस्ट बिल्कुल नहीं, स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट बिल्कुल सही होगा, एंड वेल इन्फॉर्म तो बिल्कुल नहीं. फ्लाइज ऑफ अ टेंजेंट मतलब होता है ऐसा कुछ डिस्कस करना, ऐसी चीज के बारे में बात करना शुरू कर देना जो बिल्कुल इररिलेवेंट है, मतलब कि जो मेन डिस्कशन चल रहा है उस मेन डिस्कशन से बिल्कुल हटके बिल्कुल कोई चीज बोलना शुरू कर देना, उसे हम कहते हैं फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट, इस तरीके से.
नेक्स्ट देखते हैं गोइंग प्लेसेस, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोइंग प्लेसेस सो लेट्स डिस्कस गाइज, गोइंग प्लेसेस मतलब कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन, या बोल सकते हैं ऐसा पर्सन जो इतना टैलेंटेड है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला हो, उसे हम कहते हैं गोइंग प्लेसेस। तो यहाँ पर टू गो होम बैक नहीं, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं गेट दी सैक, गेट दी सैक। शी गॉट दी सैक फॉर ऑलवेज बींग लेट, हमेशा वो लेट होती थी इसलिए उसे क्या मिला, शी गॉट दी सैक। और इसका मतलब होता है प्रमोशन नहीं, डिसमिस भी नहीं, हाँ बिल्कुल डिसमिस हो जाएगा, टू गेट अ सरप्राइज नहीं, टू गेट अ लीव भी नहीं, तो यहाँ हो जाएगा डिसमिस, किसी जॉब से डिसमिस कर देना, उसे हम कहते हैं गेट दी सैक। आई होप क्लियर है। ऑफ नो अवेल, तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑफ नो अवेल, इन फेवर ऑफ नहीं, यूजलेस बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, यूजफुल नहीं, टू बी अटरली लॉस्ट नहीं। ऑफ नो अवेल मतलब होता है कि ऑफ नो यूज, ऑफ नो यूज, जो किसी काम का नहीं हो, जैसे द लाइफ जैकेट वॉज ऑफ नो अवेल, मतलब जो हमने लाइफ जैकेट पहना था अपनी लाइफ को बचाने के लिए, वो बिल्कुल कैसा था, बिल्कुल किसी भी यूज का नहीं था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूजलेस। देन नेक्स्ट देखते हैं बोन टू पिक, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बोन टू पिक, बोन टू पिक मतलब होता है कोई बात जो हमें किसी से डिस्कस करना है, या फिर किसी चीज़ पर हम, मतलब दो पर्सन है और दोनों का डिसएग्रीमेंट है, या कोई बात है जो झगड़े की डिस्कस करनी है, उसे हम कहते हैं बोन टू पिक। तो यहाँ ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये हो जाएगा कॉज ऑफ क्वारल, जैसे आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू, मतलब कि मुझे ऐसा कोई पॉइंट आपसे डिस्कस करना है जो जो जिसमें आर्ग्यूमेंट हो सकती है, हम दोनों का डिसएग्रीमेंट हो सकता है इस तरीके से। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, कीप शेयरिंग माई वीडियोज, थैंक यू वेरी मच।